नमस्कार, मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनटीयू न्यूज। चार दिवसीय 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंटिंग सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का आज गुलरभोज स्थित बौर जलाशय में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसी दौरान अचानक प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों की नाव पलट गई और मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर खिलाड़ियों की जान बचाई। कि उत्तर भारत में पहली बार यह गेम यहां प्रारंभ हुए हैं कैनो स्प्रिंग, और अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसमें उत्तराखंड के पास इतनी बड़ी सुविधा युक्त स्थान हमारे पास उपलब्ध है। आज पहली बार हमें पता लगा है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज हैं। मैं बधाई देता हूं यहां के ऑर्गेनाइजर, यहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत करी, एसएसपी हैं और पर्यटन विभाग के लोग हैं। वैसे अभी हम जब नीचे गए थे यहाँ पर जलाशय में, तो वहाँ जाके पता लगता है कि ये गेम कितना कठिन है। तो एक से एक कर्तव्य यहाँ पर हमारे देश विदेश तो अभी जाएंगे ये लोग, लेकिन भारत के कोने कोने से, यानी कि 27 राज्यों के बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है और एक इतिहास रच दिया है कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत इस गेम में होती है।